भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पहुंचे पलामू, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मोदिनी नगर शहर स्थित नगर भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। पार्टी को विस्तार करने और मजबूती प्रदान करने हेतु कार्यकर्ताओं से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने संवाद किया। साथ ही झारखंड में चल रही हेमंत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक, सांसद विष्णु दयाल राम, डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधायक शशिभूषण मेहता, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह, नगर निगम मेयर अरुणा शंकर, डेप्यूटी मेयर मंगल सिंह और पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्र सरकार की जितनी योजना योजनाओं है उन योजनाओं को पढ़ने का काम कीजिए। उन योजनाओं के कैसे लोगों को लाभान्वित किया जाए इसका भी हम सब लोग अध्ययन करें। हम किसी भेद के लिए काम करते हैं, उस भेद में उस तपस्या में अवरोध न कोई पैदा कर जाए। कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसको हम अवरोध को दूर करने के लिए संघर्ष करने का हम तैयार इसको हम सब लोगों को प्राप्त करने का जो संकल्प शक्ति है इसे पूरा करने का भी हम सब आगे बढ़ने का काम भी आपके संघर्ष के कारण के चीजों पर हम सब लोगों ने विराम लगाने का। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।